हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 11 का चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में काफी आसानी होगी। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा द नरेटर, कैप्टन ऑफ द शिप। सेकेंड है मैरी, जो वाइफ होती है नरेटर की, वाइफ ऑफ द नरेटर। थर्ड कैरेक्टर है जोनाथन, सिक्स ईयर ओल्ड सोन ऑफ द नरेटर, ये बेटा है नरेटर का। सुजैन, सेवन ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ द नरेटर, ये बेटी है नरेटर की। फिफ्थ कैरेक्टर है लैरी विजेल, ये एक अमेरिकन क्रूमैन है जिसे नरेटर ने हायर किया था केप टाउन से। और लास्ट सिक्स्थ कैरेक्टर है हर्ब सिजलर, ये स्वीज का क्रूमैन होता है और इसे भी नरेटर ने हायर किया था केप टाउन से। तो इस चैप्टर में नरेटर अपने सी जर्नी, थ्रिलिंग सी जर्नी के बारे में बताते हैं। तो नरेटर जो हैं वो 37 इयर्स के हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनकी जो वाइफ है मैरी, उनका ये सपना था, एक ड्रीम था कि वो पूरे वर्ल्ड को घूमे, वो भी सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, जैसे जस्ट लाइक द फेमस कैप्टन जेम्स कुक जो 200 इयर्स पहले गए थे। तो जुलाई 1976 फ्रॉम द प्लायमाउंट इंग्लैंड से नरेटर और उनका पूरा फैमिली, जिसमें उनकी वाइफ मैरी, जोनाथन उनका 6 साल का, 6 साल का बेटा, सुजैन उनका 7 साल की बेटी, सभी लोग साथ में होते हैं इस वॉयज समुद्री यात्रा पर। इस समुद्री यात्रा के लिए सी जर्नी की तैयारी वो पिछले 16 ईयर से लगातार करते आ रहे थे और खुद का एक शिप जहाज रेडी करवाते हैं एक प्रोफेशनल से जिसका नाम वेव वॉकर होता है। उस शिप का नाम वो लोग वेव वॉकर रखते हैं, जो 23 मीटर लंबा और 30 टन का वेट होता है उस जहाज का, उस शिप का। तो जो बोट बनाई गई थी उस बोट का काफी टेस्ट भी किया गया रफेस्ट वेदर में, इससे पहले कि वो लोग उस बोट पे अपने समुद्री यात्रा के लिए निकलते। तो अब उनका वॉयज का यानी समुद्री यात्रा का पहला 3 इयर्स तो काफी अच्छे से निकलता है। तो अब उनका जो वॉयज था यानी समुद्री यात्रा का जो पहला 3 साल था वो काफी अच्छे तरीके से निकलता जाता है और अब तक उन लोगों ने लगभग 1,05,000 का सफर उन लोगों ने पूरा कर चुका था, जब वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन की तरफ अपना जर्नी कर रहे होते हैं। तो वो ईस्ट की तरफ मूव ऑन करने से पहले केप टाउन से 2 क्रूमैन को हायर करते हैं, लैरी विजेल और हर्ब सिगलर, जो नरेटर की हेल्प करेंगे वर्ल्ड के रफेस्ट सी द साउदर्न इंडियन ओशन के प्रॉब्लम से निकलने में, क्योंकि साउदर्न इंडियन ओशन वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी के नाम से जाना जाता था। तो जो सेकेंड फेज जर्नी का था वो 1,50,000 किलोमीटर का था और ये डिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर खत्म होना था। तो सेकेंड डे जर्नी का ये लोग 15 मीटर हाई सी वेव को फेस करते हैं जो कि तेज हवाएं के साथ साथ उठ रही होती है। 25 दिसंबर तक वो लोग किसी तरह इस हार्श वेदर 3500 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेते हैं टुवर्ड ईस्ट ऑफ द केप टाउन। वेदर के खराब होने के बावजूद नरेटर और उनका पूरा परिवार क्रिसमस डे को बोट पर ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा होता है मौसम भी पूरा खराब होता जा रहा था। अब 2 जनवरी की सुबह ही वो लोग एक काफी स्ट्रॉन्ग विंड, हाई वेव और तेज हवाएं को फेस करते हैं। वो लोग जीप की मदद से बोट की स्पीड को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं और लास्टली वो लोग एक लाइफ राफ्ट ड्रिल की प्रैक्टिस भी करते हैं कि अगर बोट को नुकसान हुआ तो सारे लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं और लाइफ जैकेट पहनते हैं एंड ऑयल स्किन्स भी लगाते हैं। अब उसी शाम एक काफी ह्यूज वेव बोट के डेक को हिट करता है और जिसमें नरेटर बोट से बाहर गिर जाते हैं और उसी वक्त नरेटर को ये लगने लगता है कि उनकी डेथ अब नजदीक है और वो अपना होशो हवास खोने लगते हैं। बोट पलटने वाला ही होता है कि एक और बड़ी वेव बोट से टकराती है और बोट सही पोजीशन में वापस आ जाता है। नरेटर बोट के रेलिंग को पकड़कर बोट के मेन रूम में पहुंचते हैं। नरेटर को काफी चोट लगा हुआ होता है रिब्स और माउथ में।
फिर भी अभी तक नरेटर होप नहीं खोते और वो खुद शिप के स्टीयरिंग को संभाल रहे होते हैं। फिर उन्हें ये रियलाइज होता है कि वेव के कारण बोट के निचले वाले हिस्से में पानी भर चुका है और अपनी वाइफ मैरी को कहते हैं कि वो व्हील स्टीयरिंग को संभाले और अपने क्रूमैन को पानी और अपने क्रूमैन को कहते हैं कि वो पानी को बाहर निकालने में उनकी मदद करे। वाटर पंप की हेल्प से वो दोनों पानी निकाल रहे होते हैं। फिर नरेटर अपने बच्चे के कैबिन में जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि सुजैन को सर में चोट आई है, लेकिन नरेटर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। नरेटर अब शिप के सारे होल्स को बंद कर देते हैं ताकि पानी अंदर ना आ सके। उसी वक्त उनका हैंडपम्प भी गंदगी की वजह से खराब हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाती है इलेक्ट्रिक पंप में। लेकिन खुशकिस्मती से एक और इलेक्ट्रिक पंप था उनके पास और पानी को उसी दूसरे इलेक्ट्रिक पंप से बाहर निकालते हैं। उनकी रात ऐसे ही कट जाती है, पंपिंग आउट वाटर एंड स्टीयरिंग ऑल नाइट। सुजैन का जो सर था वो फूल चुका होता है, आंखें ब्लैक पड़ जाती है और उसके आर्म्स बाह में भी एक डीप कट हो जाता है। जब उसके फादर यानी नरेटर को इसके बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती है कि वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सुजैन ये बोलती है कि वो अपने पापा को यानी नरेटर को, जो सुजैन को चोट लगी थी उसके बारे में वो नरेटर को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि सुजैन ये अच्छे से जानती थी कि नरेटर उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 15 आवर्स के लगातार वेव से लड़ने के बाद वो लोग किसी तरह अपने आप को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी बोट में लीकेज होती है बिलो दी वाटर लाइन। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग रोटेशन में काम करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर आराम करेंगे, इससे सभी लोगों को आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। लास्टली वो लोग नोटिस करते हैं कि जहाज काफी डैमेज हो चुका था और इस कंडीशन में नहीं था कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके उस जहाज के जरिए। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो सबसे नजदीकी आइलैंड आम्स्टरडैम, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट बेस होता है, वो वहां पे जाके आराम करेंगे। फिर भी शिप की कंडीशन इतनी खराब होती है कि इस आइलैंड पे पहुंचने के जो चांसेस हैं वो भी काफी कम होते हैं। जब तक ये विंड और सी थोड़े शांत नहीं होते और उनका सपोर्टिंग इंजन भी खराब हो जाता है उसी वक्त। ये फैमिली साथ मिलकर कंटिन्यूसली 36 आवर तक पानी को बोट से बाहर निकालते हैं और उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है जब वो देखते हैं बोट पे कुछ ही सेंटीमीटर वाटर बचा है। मैरी ये नोटिस करती है कि उनके पास खाने का भी शॉर्टेज हो गया है और जो बचा हुआ खाना है, सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स, वो लोग एक दिन का खाना दो दिन तक खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब जनवरी 5 को वेदर और भी ज्यादा खराब हो जाता है, सभी लोग वापस काफी परेशान हो जाते हैं। नरेटर जो हैं अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन वो खुद शॉक्ड हो जाते हैं ये सुन के जब उनका बेटा जोनाथन ये कहता है, जब तक हम साथ हैं, एक साथ हैं, हमें मृत्यु से, डेथ से डर नहीं लगता है, हम इस चीज को साथ मिलकर फेस कर लेंगे विद डिटर्मिनेशन एंड करेज के साथ। फिर जो सुजैन होती है वो भी ग्रीटिंग कार्ड देती है एक्सप्रेसिंग हर लव, ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म। अब लास्टली नरेटर लैरी को ये कहते हैं कि वो बोट को 185 डिग्री घुमाए और अगर उन लोगों का किस्मत अच्छा रहा तो उन्हें शाम तक कोई आइलैंड जरूर मिल जाएगा और इसी आशा के साथ वो सोने चले जाते हैं और शाम तक खुशकिस्मती से उन्हें एम्स्टरडैम मिल जाता है, जो एक आइलैंड होता है वो उन्हें मिल जाता है। और जब ये बात नरेटर को पता चलता है तो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जोनाथन नरेटर को बेस्ट कैप्टन और बेस्ट डैडी कहता है इस पूरे वर्ल्ड में। फिर वो लोग समुद्र के शोर पे किनारे पे आ जाते हैं और वहाँ के लोकल लोग भी उनकी मदद करते हैं आइलैंड तक पहुँचने में। लास्टली नरेटर का दिल पूरा भर आता है, खुश भी होते हैं ये सोच के कि किस तरह लैरी एंड हर ने उनका साथ दिया, उनकी वाइफ मैरी ने सपोर्ट किया और उनके दो बच्चों ने भी अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं किया जब सुजैन को चोट आई थी सर में और जोनाथन जो मरने से नहीं डर रहा था। ये सारी बात नरेटर सोचते हैं।
सो स्टूडेंट दिस वॉज द फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आ रहा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। और हाँ, ICSE CBSE नोट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना न भूले। लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।